नमस्कार, बोल्स्काय में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। ईशा अंबानी का वेडिंग कार्ड आया सबके सामने। देश के सबसे मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी दिसंबर में मंगेतर आनंद पीरामल से शादी करने जा रही है। ईशा और आनंद 12 दिसंबर को मुंबई में शादी रचाएंगे। ये अनाउंसमेंट दोनों की फैमिली मेंबर्स कर चुके हैं। शादी की खबरों के बीच ईशा अंबानी का वेडिंग कार्ड अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहले बॉक्स में ईशा और आनंद के नाम के इनिशियल्स लिखे हुए हैं, जबकि दूसरे बॉक्स में मां सरस्वती की तस्वीर साफ देखी जा सकती है। ईशा अंबानी का ये वेडिंग कार्ड सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। दो बॉक्स इसमें साफ देखे जा रहे हैं। पहला बॉक्स क्रीम कलर का है, जो फूलों से सजा हुआ है, जबकि दूसरा डब्बा लाइट पिंक रंग का है। इसमें देवी सरस्वती की तस्वीर नजर आ रही है। इससे पहले अंबानी और पीरामल परिवार ने एक संयुक्त बयान में कहा था, हमें ये बताने में खुशी हो रही है कि ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी होने वाली है। ईशा और आनंद की शादी भारतीय रीति रिवाजों के साथ होगी। शादी से पहले अंबानी और पीरामल परिवार अपने परिवार वालों के लिए उदयपुर में एक समारोह का आयोजन करेंगे। बता दें, ईशा अंबानी की एंगेजमेंट पार्टी इटली के लेक कोमो में हुई थी, जहां करीबी रिश्तेदारों के साथ साथ बॉलीवुड सेलेब्स ने भी शिरकत की थी। 3 दिन तक इटली में ईशा अंबानी की सगाई पार्टी चली थी, जहां प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, अनिल कपूर, सोनम कपूर और जाह्नवी कपूर जैसे सितारे पहुँचे थे। बता दें, सगाई में मुकेश अंबानी ईशा के साथ पार्टी में पहुंचे थे, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ था। आनंद पीरामल से उनकी शादी होने जा रही है, जो पीरामल ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन अजय पीरामल के बेटे हैं। आनंद ने मई के महीने में ईशा को महाबलेश्वर मंदिर में प्रपोज किया था और अब ये जोड़ी 12 दिसंबर को हमेशा हमेशा के लिए शादी के बंधन में बंध जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।